सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं नेस्टिंग और फॉर लूप्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने लूप्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, फॉर लूप्स के बारे में भी समझा है। और ऐसा नहीं है कि नेस्टिंग शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं। जब हम सिलेक्शन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे नेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था। जब हमारे पास डिपेंडेंट कंडीशन होती थी, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन तो होती थी, साथ ही साथ डिपेंडेंट कंडीशन होती थी, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती थी कंडीशन, तब जाकर के हमको करना पड़ता था नेस्टिंग इफ और इल्स का। कुछ उसी प्रकार से यहां पे भी हम नेस्टिंग करेंगे फॉर लूप्स का और समझेंगे। साथ ही साथ हम इस लेक्चर में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये पैटर्न बनाएंगे स्टार का, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान तरीके से इसको हम बनाने का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो हमसे जरूर पूछना। उससे पहले अगर आप ब्रह्मोशॉप से पहली बार कनेक्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप्स का सिंटेक्स है वो क्या है। ये कुछ इसका सिंटेक्स है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को फॉर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उस लेक्चर को देख लें जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें ताकि जो भी अपन पढ़ने वाले हैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप्स के बारे में उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। यहां पे किया क्या है, हमने एक फॉर लूप के इनसाइड एक फॉर लूप और लगाया हुआ, ठीक है। ये हमने बनाई हुई है बॉडी फॉर लूप की, थोड़ा समझना इसको। यहां पे ब्रेसेस को ओपन करा है और यहां पे क्लोज किया, उसके इनसाइड एक फॉर लूप और लगाया और उसकी भी बॉडी ओपन करा फिर क्लोज किया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आउटर फॉर लूप, जो बाहरी जो बाहर वाला फॉर लूप है, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे इनर फॉर लूप। इसको क्या बोलेंगे, आउटर फॉर लूप, और इसको हम बोलेंगे इनर फॉर लूप, राइट। हमको जो भी कंडीशन देना है, जो भी कंडीशन देना है हम इनसाइड द पैरेंथेसिस देते हैं, ठीक है। कंडीशन के साथ साथ कुछ और भी देते हैं, जैसे पहला पॉइंट क्या होता था, वैल्यू को इनिशियलाइज करना, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास आई कोई वेरिएबल है तो हम वहां पे क्या करते थे, कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते थे। और दूसरा काम होता था हमको कुछ कंडीशन देना, राइट, सेमी कॉलन लगाते थे और क्या देते थे, कंडीशन। एंड थर्ड पॉइंट क्या होता था हमारा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करते थे, यही करते थे, ठीक है। सेम वही काम यहाँ पे सेमी कॉलन रहेगा, सेम वही काम हम इनर फॉर लूप के साथ भी करेंगे। मतलब कोई सा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लेंगे, यहां पे जो पॉइंट यूज करेंगे पहला, वैल्यू को इनिशियलाइज करना वेरिएबल में, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि करते क्या थे फॉर लूप में। फिर क्या करेंगे, कंडीशन देंगे और नेक्स्ट क्या कर काम होगा हमारा, यहां पे भी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, फिर पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। मतलब जो काम हम आउटर फॉर लूप में करेंगे, ये जो आउटर फॉर लूप है, ठीक है, वही सेम काम हम इनर फॉर लूप में भी करेंगे। मतलब ये कुछ अलग नहीं रहेगा, सेम फंडा रहेगा, ठीक है। आई होप ये जो सिंटेक्स है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो हमने यहाँ पे बॉडी इसकी ओपन करी है, क्लोज करी है, ठीक है, इसको अपन ने डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे बॉडी इसकी बनाई हुई है। हम यहाँ पे कुछ कोड भी दे सकते हैं, ये कुछ है जो बॉडी के इनसाइड फॉर लूप को लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे हमको जो भी कोड लिखना है वो हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आउटर फॉर लूप का, ठीक है। बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली बात है, अगर हम आउटर फॉर लूप के बॉडी के इनसाइड लिख रहे हैं तो आउटर फॉर लूप का ही कोड कहा जाएगा। और इसको इनसाइड, इसके इनसाइड जो हम कोड लिखेंगे उस कोड को बोला जाएगा इनर फॉर लूप का कोड, ठीक है, क्योंकि हम इनर फॉर लूप के बॉडी के इनसाइड कोड को लिखेंगे, राइट। उसके बाद एग्जीक्यूट होगा और जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा जो प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, उसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आएगा। मतलब
स्टार प्रिंट होगा ट्रायंगल के शेप में, स्टार का जो पैटर्न है वो प्रिंट होगा ट्रायंगल के शेप में। थोड़ा इसको समझते हैं कि इसमें प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी पड़ेगी और इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल भी है ये, ठीक है। देखो अगर ध्यान से देखो तो यहां पे पहली लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है, ये जो है सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है ये, फोर्थ लाइन है, और ये जो है फिफ्थ लाइन, ठीक है। अगर सिमिलरिटी देखा जाए तो पहली लाइन में एक स्टार प्रिंट हुआ है, ठीक है, दूसरी लाइन में दो स्टार प्रिंट हुआ है, और तीसरी लाइन में तीन स्टार, चौथी लाइन में चार, और पांचवी लाइन में पांच स्टार प्रिंट हुआ है। ये सिमिलरिटी है, ठीक है। मतलब यहां पे दो फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, राइट। जो पहला फॉर लूप होगा, मतलब अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे इनर फॉर लूप और आउटर फॉर लूप की, तो जो आउटर फॉर लूप होगा उसका काम होगा नई लाइन जनरेट करना, ठीक है। मतलब ये जो नेक्स्ट लाइन हो रही है ना, पहले में एक स्टार, दूसरे में दो स्टार, ठीक है, नेक्स्ट लाइन को के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आउटर जो फॉर लूप रहेगा, और प्रिंट करने के लिए, स्टार को प्रिंट करने के लिए इनर फॉर लूप रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसलिए हम यहां पे दो फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है। इनर वाला प्रिंट करेगा स्टार को, हम कुछ भी यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं स्टार के अलावा, जो भी हम सिंबल चाहें, राइट। हम यहां पे स्टार को मान के चल रहे हैं। तो यहां पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले दो फॉर लूप बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। उससे पहले हमको दो वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा फॉर लूप के लिए, ठीक है। चलिए इसको प्रोग्राम के माध्यम से ही समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, मेन फंक्शन, बॉडी बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करना रहेगा, हमको दो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, आई और जे। दो फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी हमको, दो फॉर लूप के लिए दो वेरिएबल अपन ने पहले ही डिक्लेयर कर लिया। सबसे पहले हम आउटर फॉर लूप बनाएंगे, मतलब पहला फॉर लूप बनाएंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस के इनसाइड हम सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो आई में हम सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं वन, सेमी कॉलन के बाद हम कंडीशन देंगे, ठीक है। कंडीशन हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। सेमी कॉलन मतलब कि हमको क्या करना है, पांच नई लाइन जनरेट करना है, ठीक है ना। तो हमने यहां पे 5 दे दिया। अगेन हमको इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट को यूज करना है, फॉर लूप की बॉडी भी बनानी है और बॉडी के इनसाइड नेस्टिंग करना है एक और फॉर लूप को, ठीक है। मतलब एक और फॉर लूप को लगाना है, यहां पे हम कर देते हैं एक और फॉर लूप, और इसके लिए वेरिएबल जो है जे है, और यहां पे हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं वन, ठीक है। फिर सेमी कॉलन, और यहां पे फिर से कंडीशन लगाएंगे, मतलब जो जे चलेगा, ठीक है, वो आई के साथ चलेगा। जे की वैल्यू देखो, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, राइट, जितनी वैल्यू आई की होगी उतनी वैल्यू जे की को, मतलब जे से आई से ज्यादा वैल्यू जे की नहीं होगी, मैं कहना ये चाह रहा हूं, ठीक है। तो इसके साथ ही कंडीशन दे दिया। अगेन इसके इंक्रीमेंट को लगा देंगे, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर फिर से लगा देंगे। अब बॉडी बना देंगे इनर फॉर लूप की, और उसके इनसाइड हमको देखो, इनर फॉर लूप का क्या काम रहेगा, स्टार को प्रिंट करना, ठीक है ना। तो ठीक है, सेमी कॉलन लगा दिया। देखो ये बॉडी क्लोज हो रही है किसकी, इनर फॉर लूप की। तो इसके बाद हम लगा देंगे आउटर फॉर लूप का
का कोड लिख देंगे। आउटर फॉर लूप का क्या काम रहेगा, एक नई लाइन जनरेट करना। तो ठीक है, यहां पे हम नई लाइन के लिए यूज कर लेते हैं बैक स्लैश एन का यूज करते हैं, ठीक है, न्यू लाइन जनरेट करने के लिए। तो ये हो जाएगा आउटर फॉर लूप का काम। इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम, पहले इसके आउटपुट को देख लें। और यहां पे हम लगा देंगे गेट सी एच। देखो ये बॉडी क्लोज हो रही है आउटर फॉर लूप की, ये मेन फंक्शन है, और यहां पे हम लगा देते हैं गेट। ओके ये आउटपुट हमको दिख रहा है, ठीक है। पहली लाइन में सिंगल स्टार, दूसरी लाइन में दो स्टार, तीसरी में तीन स्टार। मतलब ये हो रहा है कि आई के साथ ही जे चल रहा है। देखो एक तरीके से देखा जाए तो यहां पे भी डिपेंडेंट कंडीशन ही है, राइट, इसलिए हम नेस्टिंग कर रहे हैं। आई के साथ जे भी चल रहा है, दो वेरिएबल सबसे पहले हम लोगों ने डिक्लेयर किया, किसके लिए, एक आउटर फॉर लूप के लिए और एक इनर फॉर लूप के लिए। यहां पे कंडीशन दे दी कि हमको भाई पांच लाइन में ही प्रिंट करना है, ठीक है, पांच नई लाइन ही चाहिए, और पांच नई लाइन के साथ जितनी लाइन उतने स्टार। उसके लिए हमने यूज कर लिया क्या, एक और वेरिएबल जे, और उसको हमने उसके साथ कंडीशन लगा दी, मतलब आई के साथ कंडीशन लगा दी, और फिर इंक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया। इस प्रकार से ये काम करेगा, ठीक है, और इसका आउटपुट ये आएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसके एग्जीक्यूशन को भी समझ लेना, मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि जे की वैल्यू वन है, ठीक है, मतलब एक से एक तक, कंडीशन देखना, एक से एक तक, ठीक है, और एक स्टार प्रिंट हो गया, राइट। और जैसे ही कंट्रोल इनर फॉर लूप के बाहर आएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और नई लाइन जनरेट हो जाएगी। नई लाइन जैसे ही जनरेट होगी, अगेन क्या होगा, जे की वैल्यू टू हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम में जो स्टार प्रिंट होंगे वो दो स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, दो स्टार प्रिंट हो जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। इस प्रकार इसका एग्जीक्यूशन होगा, थर्ड लाइन में थ्री स्टार प्रिंट हो जाएंगे और फोर्थ लाइन में फोर स्टार, फिफ्थ लाइन में फाइव स्टार प्रिंट हो जाएंगे। मतलब जे एसोसिएट है आई के साथ और उसी के साथ कंटिन्यू होता जाएगा, और जैसे ही ये कंडीशन फेल होगी, ठीक है, मतलब कि पांच से ज्यादा वैल्यू होगी, छह होगी, वैसे ये कंडीशन फेल हो जाएगी और कंट्रोल लूप के बॉडी के बाहर निकल जाएगा और इंटर नहीं करेगा, इसलिए कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई थिंक ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। इस प्रकार हम लोगों ने नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप्स के बारे में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम कंटिन्यू करेंगे जो भी हमारा बचा हुआ टॉपिक है। तब तक के लिए आप लोग जो भी प्रोग्राम है उसको बनाइए, और जो भी डाउट आ रहा है वो हमसे पूछिए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।